वालों 500 कमड़ा इस शाम तक खुश होकर भेजा है। साढ़े ददेलिए भरा इन्हें साडा नाम नहीं लेना साहब बाबा विसाखा सिंह के नाँ तो जिन्हों ने इतने चरण पाए बाबा ज्वाला सिंह के चरण पाए आ सारी होंद जो गुरद्वरे की उन्होंने इतने सारे क्रांतिकारी आण के इतों गांह कनेडा अमरीका फिर बड़े बड़े बज बज घाट से जाके कौमा घाटा मारू जहाज लैके जिन्होंने देश याद कराया मैं पहले दिन सुनाया सी उन्हां वालों भी बेअंत माया जितन दे आए हैं साडे नाल प्यार किया होर भी सज्जन साडे नाल इन्ना प्यार कर रहे हैं सरदार अवतार सोनी का टाइम होर वधाए जाते हैं आ काका कहिंदा सी चमकौरां दा कि तुहाडा जथा जी दा टाइम वधदा कई जथे दे टाइम घटदे आ मैं क्या फिर मैं गुणा करके उम्र वधदी उगुणा करके घटदी है मैंने अज कहा मैं तो बड़े सोहने शेर बड़ी कविता पढ़ना तो साबत सूरत दस्तार सिरा दाढ़ा रख ला आंदा बापू जी जो मैं थोड़ी उम्र तो आया फिर रख लूँ मनते गया ना आओ सारे करा फिर गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु उधर लखी शाह बनजारा जिहड़ा भाई मनी सिंह का सहुरा सी उस वेले 100 डांडा सी जिस तरह अपना पंजाब च गड्डियां तुसां बनाईआं उदों गड्ढे हुंदे सी कली रूम और जमुना चो पार आना दिल्ली चीज लाइनी गांह दिल्लियों जिमें इतों तुम जापान चो जर्मन चो आवे शॉपिंग करते जी गांह हिंदुस्तान भेजते जे कई कारोबार वीर चलते आ इस तरह वह बड़ा तगड़ा व्यापार से वह कली के भरे एक दवान लिखता है ज्ञानी काम सिंह जी नाभा रूह के भरे गड्ढे लिखता कुछ हो जदों लंघन लगा वो दिल में खिंच पई महाराज का तड़ पिया पंजवें गड्ढे रख के वह गड्ढे दूसरे जड़े से वह सदाकर का जरा समान से उधर पर वह गड्ढा रात के 12 बजे आपके घर लै गया उत्थे जिसे रकाबगंज गुरद्वारा बनया भराओ गल्लां करन सिखालियां औखे पल ने बोल आप गवाइए ता शौ पाइए अवर कैसी चतराई आपा सख्ती की भट्ठी में झुकना पैंदा फिर बोल पैंदा अं बड़िया बड़िया महल माड़ियां बनाने गुरु के संस्कार पिछे उन्हें अपने घर में अग लाती जदों महाराज का सारा संस्कार हो गया रौला पाता महल वाले हो मेरा घर जल गया जी अपने घर बचाओ सारे आण के मुड़ के पानी पा के अग बुझाउण लग पे शाबाश उस मर्द जिन्हें गुरु तेग बहादुर पातशाह के धड़ का दिल्ली में संस्कार किया अज जो अं रकाबगंज जाने गुरुद्वारे उत्थे दिल्ली पार्लीमेंट के नाल ही गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे की होंद बदले तुहाडे बजुर्गों ने बड़िया कुरबानियां कीतियां हुण समा नहीं आओ सरवण करो इधर भाई जेता मंजला मार के आनंदपुर साहब आ गया महाराज ने जो कीरतपुर गया गुलाब राय तो अपना रतन राय ये सूरजमल के पुत्र सन महाराज तो व्डे सन गुरु तेग बहादुर पातशाह तो माता अनोखी तो माता संतोखी ये दोवें मातावान उस वेले हाजिर सन एक इतिहासकार लिखता है कि माता निहाल कौर जी भी बिरध अवस्था में सन जेडे गुरु हरकृष्ण साहब के माता जी सन हरकृष्ण कौर भी उन्होंने नाम आता है वो हुण नाल पालकी भी शीस रख के जदों आनंदपुर अपड़े अगों महाराज ने अकल वांडी महाराज के धड़ का सत्कार शीस का सत्कार किया आओ सरवण करो महाराज की उम्र जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह गए सन उदों 9 साल तो 1 महीना सी अज महाराज की उम्र 9 साल तो 7 महीने हुई है महाराज के शीस में जिते शीसगंज गुरद्वारा है उत्थे रख के नमस्कार की माता गुजरी ने नमस्कार की नाल बजन कहा हे गुरदेव जिस तरह तुहाडी निभ गई है मेरे भी इस तरह निभे पढ़ के उस आखी सुनावे उन्होंने किमें निभी दादी नानकी भी जीती है गुरु गोबिंद राय की उन्हें भी अपने पुत्र के शीर से हाथ रख के अखां जल आ गया मामा मेहर चंद कृपाल चंद उन्होंने अखां जल आ गया जेडे लागे बैठे सन क्योंकि सोगमई समा सी जो महाराज ने वेख्या ये महाराज का पहला लक्चर है जिंदगी जेडे सूरमे होंगे आ होनहार के चिकने चिकने बाद उन्होंने मुड़ तो बचपन तो पता लग जाता है कि इन्हें की बनना है महाराज ने वीर रस जान के जिते के मोढ़े से हथ रख के क्या माता जी दादी जी तो मेरे मामा जी संगत जी हो वेखो रोई लग इन्हों आप रोज़ पढ़ते हैं संत को ये कह रोई है जो अपने ग्रह जाए रोवो सड़क वापड़े जो हटो हट पकाए आप भेजा आप बलिदान दिता है गरीबा की मदद की है
ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਕੇ ਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ।